बटर शामिल करेंगे, गार्निश करेंगे लेमन से, अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया। अस्सलाम वालेकुम, ज़ौक रेसिपी के साथ मैं हूँ शेफ फरा मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? आपको हमारा शो बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा ना लगे? इतने मज़े मज़े के खाने जो मैं बनाना आपको सिखाती हूँ, और वो भी मीज़ान कनोला ऑयल में, है ना मज़े की बात। आज की रेसिपी भी बहुत मज़े की है, मैं बनाने वाली हूँ चिकन रेशमी हांडी। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चिकन रेशमी हांडी के लिए सबसे पहले हम मीज़ान कनोला ऑयल 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे, चिकन, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च चॉप, गरम मसाला पाउडर, वाइट ज़ीरा पाउडर, साबित वाइट ज़ीरा, नमक, 1 कप दही शामिल करेंगे। आपने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपने दही शामिल किया था उसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा आपने इसकी ग्रेवी रखनी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें, चेडर चीज़, अगर आपको मोज़रेला चीज़ पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चेडर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। फ्रेश क्रीम 1 कप। चिकन रेशमी हांडी हमारी तैयार है, और आप देखिए इतनी अच्छी इसकी ग्रेवी आई है। और जब भी आप दही डालें, दही डालने के बाद आपने इतना ज़्यादा नहीं भूनना कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि फिर इससे आपकी हांडी की ग्रेवी अच्छी नहीं आएगी। अब हम इसमें बटर शामिल करेंगे, गार्निश करेंगे लेमन से, अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसे क्रीम से गार्निश करेंगे। तैयार है हमारी चिकन रेशमी हांडी, जो मैंने बनाई है मीज़ान कनोला ऑयल से। मीज़ान कनोला ऑयल आपको जायका तो देता ही देता है खानों में, साथ में गजाइत से भी भरपूर है। आप हमारा शो देखते रहें ज़ौक रेसिपी, क्योंकि मैं ला रही हूँ नई नई रेसिपी सिर्फ आपके लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।